बच्चों, आज हम कक्षा 11 गणित एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। आपने एक्सरसाइज 1.3 के पहले जो टर्म्स आए हुए हैं, जो कुछ डिफिनीशंस आई हुई हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। कुछ डिफिनीशन क्या है उसमें, क्योंकि एक्सरसाइज जो है उप समुच्चय पर आधारित है, स्पेशली यानी सबसेट, और सबसेट हमने बहुत डिटेल में बताया है। सबसेट क्या होता है, प्रॉपर प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और सुपर सेट क्या होता है, घात समुच्चय यानी पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीख लिया है। उसी पर आधारित इस पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जिस फार्मूले या जिस टॉपिक पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर उस टॉपिक को, उस चीज़ को, उस डिफिनीशन को आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाए होंगे, उस पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, तो आप प्रश्नावली के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। इसको पहली बार नोट कर लीजिए। अगर ये सारी चीज़ें बिगड़ जाने हुए आप जो है प्रश्नावली पर सवाल लगाना शुरू कर देते हैं, तो आप समझिए अपना समय आप बर्बाद कर रहे हैं और अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए सबसे पहला काम आपका ये है कि इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो डिफिनीशंस हैं, जो फार्मूले हैं, उनको आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो हमने पिछले वीडियो में उस पर डिटेल बताया है, समझाया है, और इसमें आपको लिंक मिल सकती है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं अगर नहीं देखे होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर एक है, रिक्त स्थानों में प्रतीक भरना है या ए प्रतीक भरना है, जिससे कथन जो है जो हमारा सही बन जाए। तो अब मैं देखता हूँ, इसको हम यहीं से हल करना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इसमें भरना ही है, सिर्फ हम यहीं इसका हल लिख दे रहे हैं। प्रश्न नंबर एक का सलूशन यहाँ कर दे रहे हैं, हल। प्रश्न नंबर एक, क्या भरना है इसमें, इसमें भरना है निशान भरना है। तो निशान किस चीज का है, इसको हमने बताया था, ये निशान है सबसेट यानी उप समुच्चय, उप समुच्चय, इसी को क्या कहते हैं, और सबसेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उप समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय, उप समुच्चय नहीं है, यानी लिखेंगे इंग्लिश में नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए देखते हैं सबसेट क्या होता है। जब कोई दो सेट दी हुई हो और एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों, तो पहले वाले सेट को दूसरे वाले सेट का सबसेट कहेंगे। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर वन का पहला पार्ट है, पहला सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट 2, 3, 4 हैं, और दूसरे में है 2, 3, 4, 1, 5 है, लेकिन ये सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। देखिए ये इसमें है, 3 इसमें है तो 3 भी इसमें है, 4 इसमें है तो 4 भी इसमें है। इसका मतलब क्या हुआ, जब सारे एलिमेंट मौजूद हैं इसके इसमें, तो हम कहेंगे कि यह सेट क्या है, उप समुच्चय है। तो निशान क्या लगाएंगे, ये निशान लगा देंगे, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे हम, ये हमारा इसका हो गया सबसेट। पढ़ेंगे क्या, कि सेट 2, 3, 4 उप समुच्चय है सेट 1, 2, 3, 4, 5 का, या सेट 2, 3, 4 सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा पार्ट देखते हैं, पहले सेट में है एलिमेंट ए बी सी, और दूसरे में है बी सी डी, ए इसमें है मगर इसके अंदर नहीं है, बी है इसमें है, सी इसमें नहीं है। तो ए वाला एलिमेंट जो है इसके अंदर है ही नहीं, तो नहीं है, जबकि सारे एलिमेंट होना चाहिए तभी सबसेट होगा, तो इसका मतलब क्या है, सबसेट नहीं है, तो ऐसे निशान बना देंगे नॉट सबसेट। तो ए बी सी नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी। तीसरा पार्ट है, यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है, यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ये पहला वाला सेट किस फॉर्म में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, दूसरा वाला भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। आप
वो हमेशा हमने बताया है कि जब भी समुच्चय निर्माण में लिखा हुआ है तो उसको कन्वर्ट कर लिया करो, किसमें, रोस्टर के रूप में कन्वर्ट कर लिया करो, रोस्टर के रूप में बदल लिया करो। तो यक्ष सच दैट यक्ष आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, इसके अंदर, इस सेट के अंदर कक्षा 11 के सारे विद्यार्थी आएंगे। और यक्ष सच दैट यक्ष आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, इसके अंदर विद्यालय के सभी विद्यार्थी आएंगे। तो अब बताओ, कक्षा 11 विद्यालय ही में तो है, विद्यालय में कक्षा 11 है, 12 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, इसके अंदर सारे बच्चे आ रहे हैं, सारे विद्यार्थी आ रहे हैं, और इसके अंदर केवल 11 के विद्यार्थी आ रहे हैं, और इसके अंदर 11 के भी हैं और बाकी अदर क्लास के भी हैं। तो क्या हुआ है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, इसलिए यहां पर क्या रहेगा, सबसेट होगा, सबसेट। चौथा पार्ट देखिए, यक्ष सच दैट यक्ष किसी समतल में स्थित वृत्त है, इसके अंदर सिर्फ वृत्त दिया हुआ है, अब कोई भी त्रिज्या हो इससे मतलब नहीं, यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी हो, एक वृत्त है। यहां दिया हुआ है यक्ष सच दैट यक्ष समान समतल में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, यानी इस सेट के अंदर सिर्फ एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, और इस सेट के अंदर बहुत सारे वृत्त हैं जो कि अलग अलग त्रिज्या के हैं। तो जाहिर सी बात है इस सेट में वृत्त ज्यादा हैं, इसमें सिर्फ एक वृत्त है, तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। पांचवा पार्ट देखिए, यक्ष सच दैट यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, जिसके अंदर क्या हुआ, इस सेट के अंदर, इस समुच्चय के अंदर सभी त्रिभुज आ जाएंगे, क्योंकि एक त्रिभुज है। अब इसके अंदर आ जाएगा समकोण त्रिभुज आ जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज आ जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज आ जाएगा, संभाव त्रिभुज आएगा, विषम, यानी त्रिभुज जितने सब आ सकते हैं इसके अंदर। यहां दिया हुआ है इस सेट में, यक्ष सच दैट यक्ष किसी समतल में स्थित एक आयत है, इसके अंदर सिर्फ आयत है, तो इसके अंदर सिर्फ त्रिभुज है, उसके अंदर सिर्फ आयत है, तो क्या त्रिभुज, जब इसमें त्रिभुज है, इसमें आयत है, तो आयत, आयत में त्रिभुज है ही नहीं, इसका मतलब इसके एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट ऑफ, ये भी नॉट सबसेट ऑफ। बात समझ में आ गई। छठा, यक्ष सच दैट यक्ष किसी समतल में स्थित एक संभाव त्रिभुज है, यानी इसके अंदर सिर्फ संभाव त्रिभुज है, वो चाहे जिस भुजा का हो, 2 सेंटीमीटर का भुजा का, 3 सेंटीमीटर का, सिर्फ संभाव त्रिभुज ही इसके अंदर है। यहाँ क्या है, यक्ष सच दैट यक्ष एक समतल में स्थित एक त्रिभुज है, इसमें संभाव त्रिभुज है, विषमभाव त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, हर तरह के त्रिभुज है। अब बताओ, ये संभाव त्रिभुज है, इसमें हर तरह के त्रिभुज है, तो इसके एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। बात समझ में आ गई, क्या क्या रहेगा, सबसेट हो गए, सबसेट। यक्ष सच दैट यक्ष एक समप्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यक्ष सच दैट यक्ष एक पूर्णांक है, इसके अंदर कौन कौन संख्याएं हैं, इसके अंदर डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसके अंदर क्या क्या संख्याएं हैं, डॉट डॉट डॉट, -3, -1, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं इसके अंदर हैं। इसके अंदर क्या है, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, तो आप देखो 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए क्या हुआ, ये सबसेट हुआ। क्लियर, किस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये भी है, कह रहे हैं जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ये भी आपका उपसमुच्चय पर आधारित क्वेश्चन है, सेट है, समुच्चय है जिसके एलिमेंट ए बी है, और दूसरा है जिसके एलिमेंट बी सी ए है, और निशान बना हुआ है नॉट सबसेट, यानी उपसमुच्चय नहीं है। तो आप बताओ, इसके अंदर एलिमेंट ए है तो इसके अंदर भी एलिमेंट ए है, इसके अंदर बी है तो इसके अंदर भी बी है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो आप बताओ क्या होगा, समुच्चय होगा कि नहीं होगा, आप ही बताओ, समुच्चय होगा। यहाँ क्या लिख रहे हैं, समुच्चय नहीं होगा, जबकि समुच्चय है, ये यहाँ सबसेट का निशान होना चाहिए, लिखा हुआ है नॉट सबसेट का, इसलिए कथन क्या हो गया, ये असत्य हो गया, यानी कथन सत्य नहीं। रीजन हमने दे दिया, क्या रीजन दिया, क्योंकि इस सेट के, इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में मौजूद हैं, इसलिए यह समुच्चय इसका उपसमुच्चय होगा, जबकि लिखा है कि उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए कथन जो है सत्य नहीं है, अर्थात असत्य है। दूसरा है,
इस समुच्चय के अंदर अवयव क्या है ए ई, इस समुच्चय के अंदर अवयव क्या है एक्स, सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो अंग्रेजी इसी को जब लिखोगे आप तो इसी को जब लिखेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ए ई आई ओ यू, ये रोस्टर फॉर्म में ही आ जाएगा। तो आप देखो ए इसके अंदर है, ए इसके अंदर भी है, ई इसके अंदर है, ई यहाँ भी है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इसलिए क्या होगा सबसेट होगा। ये कथन क्या है सत्य है, ये कथन सत्य है। तीसरा पार्ट वन टू थ्री इसके एलिमेंट है, इसके अंदर वन है, इसके अंदर वन है, थ्री है, थ्री है, बट टू इसके अंदर नहीं है, नहीं है, जबकि क्या होना चाहिए सभी एलिमेंट अगर रहेंगे तभी सबसेट होगा, तभी उपसमुच्चय होगा। इसका मतलब क्या हुआ ये उपसमुच्चय नहीं है, नहीं का निशान होना चाहिए था लेकिन हाँ का निशान है, इसलिए कथन क्या हो गया असत्य हो गया, क्या हो गया असत्य है ये कथन। चौथा पार्ट कह रहे हैं सेट ए समुच्चय ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ये कथन सत्य है क्योंकि समुच्चय ए बी सी के सबसेट क्या क्या होंगे, समुच्चय ए बी सी के सबसेट जो होंगे के सभी उप समुच्चय होंगे फाई होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए बी होगा, बी सी होगा, सी ए होगा और ए बी सी होगा। हमने घास समुच्चय में बताया इस चीज को, तो इस समुच्चय के इतने सारे उप समुच्चय होंगे, इनमें से कोई अगर दिया हुआ है तो ये सब जो है उप समुच्चय के सबसेट होंगे। फाइव इज सबसेट ऑफ ए बी सी, ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, बी इज सबसेट ऑफ ए बी सी, तो अब बताओ ये सही है कि नहीं है, तो सही है यानी सत्य है, क्लियर। फिर पांचवा पार्ट समुच्चय ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो किसी भी समुच्चय में एलिमेंट बिलोंग करते हैं, समुच्चय बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि नहीं समुच्चय यहां ये होना चाहिए था, अगर ऐसे होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, अगर ऐसे होता तब सत्य होता। और क्या कह रहे हैं कि सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, ये जो है गलत है, ये क्या कह रहे हैं सही है, इसलिए क्या हो गया ये असत्य हो गया, फॉल्स है, ये बात सही नहीं है। छठा पार्ट यक्ष सच दैट यक्ष संख्या छह से कम एक समप्राकृत संख्या है, तो आप देखो इसको कन्वर्ट कर लो तो क्या आ जाएगा समप्राकृत संख्या, दो चार छह से कम, इसके अंदर दो चार हो गया। यक्ष सच दैट यक्ष एक प्राकृत संख्या है जो संख्या छत्तीस को विभाजित करती है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा एक से विभाजित छत्तीस हो जाएगा, वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, फोर आ जाएगा, सिक्स से भी विभाजित हो जाएगी और नाइन से विभाजित हो जाएगी और ट्वेल्व से विभाजित हो जाएगी और एटीन से विभाजित हो जाएगी और खुद छत्तीस से भी विभाजित हो जाएगी। कितने एलिमेंट इसके अंदर होंगे, कितने अवयव होंगे, तो आप देखो क्या टू फोर इसके अंदर है, तो टू फोर इसके अंदर है, इसलिए क्या हुआ कथन, इसलिए ये भी कथन जो है सत्य है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन को चूंकि मैंने इसी में कर दिया है इसलिए आप यहाँ पर जो है इसका हल यहीं पर हल लिख लेंगे, क्वेश्चन के बाद आप हल लिखोगे, ऐसे हो जाएगा तब ऐसे हो जाएगा, ठीक है, हमने इसी में कर दिया था, क्लियर। अब आइए प्रश्न नंबर तीन पर। प्रश्न नंबर तीन में कह रहे हैं कि मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर वन टू फिर कामा थ्री फोर फिर कामा फाइव, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, यानी इसमें लिखना आपको कौन सा सही नहीं है और कौन सा सही है, उसका रीजन भी देना, उसका कारण भी देना, बात समझ में आ रही है। तो इसको मैं जो है सल्यूशन भी यही मैं लिख दे रहा हूँ, इसका हल इसी को लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप प्रश्न के बाद ही हल लिखेंगे। तो हल प्रश्न नंबर तीन का हो गया, क्या कह रहे हैं
सेट हमारा दिया हुआ है। इसके अवयव क्या है? इसके अवयव एक अवयव वन है और दूसरा अवयव जो है इसका टू है और तीसरा अवयव थ्री फोर है, जाने रहिए, और चौथा अवयव है इसमें फाइव। इसमें सिर्फ चार अवयव है, चार एलिमेंट है। तो पहला पार्ट है कि समुच्चय थ्री फोर सबसेट ऑफ ए। तो आप देख रहे हो ये समुच्चय थ्री फोर, इसके अंदर एक एलिमेंट है, अवयव है, ये सबसेट नहीं है इसका, इसका समुच्चय नहीं है, इसलिए ये सत्य नहीं है, ये सही नहीं है। लिखेंगे सही, ये कथन जो है सही नहीं है। क्यों लिखेंगे रीजन? क्योंकि थ्री फोर ए का एक अवयव है, एलिमेंट है। आसमा गई। दूसरा पार्ट कह रहे हैं थ्री फोर बिलोंग्स टू ए। हाँ, ये थ्री फोर जो है ये बिलोंग्स कर रहा है इसके अंदर, ये क्या है, ये सही है, क्योंकि क्योंकि थ्री फोर ए का एक अवयव है। बस में आ गई। तीसरा पार्ट, थ्री फोर अवयव है और जो इसका सबसेट होगा, तो आप पहले देख लो इसके जो उपसमुच्चय होंगे, हम बता दे रहे हैं आपको, ए के सभी उपसमुच्चय क्या होंगे, फाइव होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री फोर एक एलिमेंट है तो इसलिए डबल ब्रैकेट लगेगा और होगा फाइव होगा, ऐसे ही इसका होगा वन टू होगा, ऐसे ही होगा इसका वन फाइव होगा, ऐसे होगा यहाँ पर टू फाइव होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो हमको यहाँ जिसकी ज़रूरत है, हमारा काम बन गया। तो थ्री फोर आप देख रहे हैं इसको, थ्री फोर मझले ब्रैकेट में है तो ये तो इसका एलिमेंट हो गया, अवयव हो गया, और फिर मझला ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब थ्री फोर ए सबसेट है ए का, एक सही है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये इसका सबसेट है, क्योंकि थ्री फोर एलिमेंट है, इसका सबसेट हो जाएगा, थ्री फोर ए का सबसेट, ए का उपसमुच्चय है। फिर कह रहे हैं वन बिलोंग्स टू ए, इस निशान का क्या नाम है, बिलोंग्स, यानी वन इसमें है कि नहीं है। तो आप देख रहे हो वन इसके अंदर है, वन भी है, टू भी है, फाइव भी है, थ्री फोर भी है, ये क्या है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि वन ए के अंदर है, ठीक। वन इज ए सबसेट ऑफ ए, नो, वन इज ए सबसेट ऑफ ए नहीं, वन बिलोंग्स टू ए सही है। सबसेट क्या इसका होगा, वन अगर ब्रैकेट के अंदर होता, मझले ब्रैकेट के अंदर, तब सही होता है, ये सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि क्योंकि इतना ये सबसेट ऑफ ए, मझले ब्रैकेट के अंदर जब रहेगा तब ये सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, तो इस तरह से ये भी सही नहीं है। अब आते हैं, चेक करते हैं छठा। छठा में एलिमेंट क्या है, वन टू फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। तो आप देखो वन भी है, टू भी है, फाइव भी है, तो वन टू फाइव इसका क्या होगा, इसका सबसेट होगा।
ये सही है। सही। फिर 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, तो किसी भी समुच्चय के अंदर एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 to 5 इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट कौन कौन है? आप लिख सकते हो 1 belongs to A, 2 belongs to A, फिर 3 belongs to A, फिर 5 belongs to A। जब बिलोंग्स लिखना है तो इतनी चीजें आप लिख सकते हो, इसके अलावा और कोई बिलोंग इसके अंदर नहीं करेगा। तो यहां पर क्या दिया है, 1 to 5 इसके अंदर आ रहा, 1 to 5 कहीं बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए भी सही नहीं है। सही नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि 1 to 5 ए का अवयव नहीं है, इसका अवयव नहीं है। अगर अवयव होता तो बिलोंग करता। फिर 1 to 3 ये सबसेट ऑफ ए, 1 to 3 तो ये भी जो है सबसेट नहीं इसका है, 1 to 5 है। आप सबसेट हमने लिखा है, यहां पर और सबसेट क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 to 5 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 to 3 4 ये सबसेट हो जाएगा, मगर ये जो है सबसेट 1 to 3 नहीं होगा। आठवां पार्ट ये सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि क्योंकि 1 to 3 इसका, क्योंकि क्योंकि ए में अवयव 3 नहीं है, इसके अंदर कोई अवयव 3 है ही नहीं। तो 3 and 4 वो तो 3 4 खुद एक एलिमेंट है, इसका ध्यान देना। 5 belongs to A, तो आप देख रहे हो बिलोंग जितने कर रहे हैं, 1 है 2 है 3 4, सिर्फ 4 एलिमेंट है इसके अंदर, एक के अंदर 5 कहां से आ जाएगा, ये भी सही नहीं है। सही नहीं है क्योंकि ए में 5 नहीं है, या ए का अवयव 5 नहीं है। फिर 10वां है, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो हमने बताया है कि किसी भी सेट का सबसेट 5 हमेशा होता है। देखिए हमने यहां लिखा 5, हर सेट का सबसेट 5 होता है, हर सेट का सबसेट 5 भी होता है और खुद वो सेट भी होता है, यानी 1 2 3 4 और 5, आप देखिए ये भी सबसेट होगा, तो ये क्या है, सही है। ये क्या है, सही है, क्योंकि हर समुच्चय का उपसमुच्चय पाई होता है, इसका कारण हो गया। 11वां, सबसेट 5 ए सबसेट ऑफ ए, ये भी सही नहीं है। 5 ये सबसेट ऑफ ए हो सकता है, सबसेट 5 ये सबसेट ऑफ ए नहीं लिखेंगे, ये भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि 5 ये सबसेट ऑफ ए, क्लियर, यानी 5 सेट जो है ये जो है इसका सबसेट ये नहीं है, बल्कि क्या है, 5 इसका सबसेट है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।